जी नाज़रीन, एक बार फिर आपको बहुत बहुत ईद मुबारक, ईद उल अज़हा, ईद कुर्मा। और हमारे जितने मेहमानाने गिरामी इस वक्त यहाँ खड़े हैं, तो कोई ना बकरा जो है ना ज़िबा किया जा रहा है, ना कोई गाय, बल्कि जो ज़िबा होना था वो ज़िबा हो चुका है। और मामू दिल्ली कबाब हाउस से खुसूसी एहतमाम ARYQ TV पर किया गया है, और बड़े लजीज खानों से इस दस्तरखान, इस बुफे को सजाया गया है। और माशाल्लाह हम देख सकते हैं कि कबाब भी मौजूद हैं, और ये देखें आप, मतलब ये एक यूनिकनेस, और ये आप समझ लें मुमताज़ एक हैसियत हमारे दस्तरखान को मिलती है। मामू कबाब हाउस ने जब ये देखा कि ईद का तीसरा दिन है और पहले दिन से ही बीफ और मटन चल रहा है, तो हमारे जो है ना जायके को या जायके का मज़ा दुबाला करने के लिए चिकन टिक्का भी मौजूद है माशाल्लाह। मामू दिल्ली कबाब हाउस, आप सलामत रहें। और गरम गरम गुलाब जामुनों से इस्तकबाल किया जा रहा है हमारे मेहमानों का। मैं चाहता हूँ बिला ताखीर आप लोग शुरू करें जी, बिस्मिल्लाह करें। और नाज़रीन, आपको ये जानकर खुशी होगी, नेल्सन पेंट्स की तरफ से हमारे तमाम मेहमानाने गिरामी के साथ माशाल्लाह गिफ्ट हैम्पर्स भी जाएंगे, क्योंकि ईद का मौका, ईद उल फितर हो और ईद उल अज़हा हो, ARYQ TV का ये खासा है, ये ट्रेंड है कि जो आने वाले मेहमानाने गिरामी होते हैं हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान, उनको रुख्सत किया जाता है किसी तोहफे के साथ, किसी गिफ्ट के साथ। तो ये नेल्सन पेंट्स का ये तआवुन हमारे शामिल हाल रहा। और मामू ने मामू तो नहीं बनाया ना, जायका वही टाइट होना चाहिए, क्योंकि मैं समझता हूँ कि जितना लजीज इनके पकवान हैं और कबाब वगैरह, ख़ास तौर पर जो बारबेक्यू आइटम्स ये बनाते हैं, तो बखूबी वाकिफ है हमारे देखने वाले व्यूवर्स भी। और आप लोग जो तकल्लुफ से काम ले रहे हैं ना ईद पर, ये तकल्लुफ ये बहुत भारी पड़ता है, यकीन, आप बेफिक्र रहने जी, क्योंकि आज आपने मुझे बहुत अल्ट्रा लेवल मोटिवेट कर दिया। मैंने लामा साहब को आपको कैमरे में खास तौर पर कैप्चर किया जाएगा, लेकिन मैं फिर बता रहा हूँ, आप लोग खाएं भरपूर तरीके से खाएं, लेकिन बार बार वो शेर आपकी समातों पर दस्तक दे कि बोटियों से दोस्ती अच्छी नहीं फराज, अल्लाह अकबर, बस उसका ख्याल रखें, लेकिन बहरहाल खाइए, क्या बात है। और कारी साहब ने बहुत खूबसूरत प्लेट तैयार की है अपनी, मामू कबाब हाउस के दो कबाब साइड में और एक चिकन टिक्का की छोटी सी एक टांग साइड में, क्या बात, बिस्मिल्लाह, जज़ाकअल्लाह। फहीम भाई ने हज़्बे मामूल हज़्बे रिवायत आज अपना लुकमा देने के लिए चिकन टिक्का जो खास तौर पे के पूरा साल वो हां हां तो उसमें भी शामिल रहे, क्या बात है, उसमें भी शामिल किया, बहुत उम्दा। अल्लामा साहब कोई तकल्लुफ नहीं है, ठीक तरह लीजिएगा। कारी साहब अगर दो तीन लुक में ले लिए आपको तो तारीफ कर दें जरा, मतलब तारीफ ना करें मैं, बल्कि बता दें कि जायका कैसा था, बिल्कुल सही सही बता दें। बहुत उम्दा और बहुत मज़ा आया माशाल्लाह भाई, ये सनत मिल गई माशाल्लाह, क्या बात है, कारी साहब माशाल्लाह मज़ा आ रहा है। और नाज़रीन ऐसा ना हो कि मैं भी महरूम रह जाऊँ, ये बरकत के लिए मैं भी जो है कुछ निकाल लूँ, और क्या बात है, क्या बात है। और आप लोग लेते जाएं और अपनी अपनी नशिस्तों पर अगर आते जाएंगे, जी जी बिल्कुल, तशरीफ़ लाएं और आराम से बैठ के खाएं, ये माशाल्लाह खाना पीना भी चलता रहेगा और उसके साथ साथ गुफ्तगू शुनीद भी जो है वो चलती रहेगी इंशाल्लाह, चिट चैट भी चलती रहेगी, चटपटे खानों के साथ चटपटी बातों का सिलसिला भी जारी रहेगा। और कारी साहब आप भी तशरीफ़ ले आएँ, आ जाएँ, फ़हीम भाई, अहसान भाई आप भी आ जाएँ, और अब्दुल बासित कोशिश कर रहे हैं कि वो अपनी प्लेट भर लें, लेकिन वो भरने में नाकाम है, सबको देख के ना, क्योंकि आदत से मजबूर हैं, तीन बोटियों के बाद उनकी हिम्मत नहीं हुई चौथी बोटी उठाने की, चौथा कबाब उठाने की, वाकई मेरी हिम्मत नहीं हुई क्योंकि अभी सबकी कड़ी नजरें मुझ पर जानी है। अब्दुल वासित कैप्चर किया जा रहा है खुसूसी तौर पे आपको और देखा जा रहा है, क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त, आइए कैसा तो शरीफ लाए, आइए आइए फहीम भाई, चले जी, टिक्का बहुत ज़बरदस्त है भाई, कबाब पीछे रह गया टिक्के से, खाने में इतना गुम थोड़ी हो जाना चाहिए। वो एक शेर लिखा था किसी ने कि असल शेर वो ये है कि शायद मुझे निकाल कर पछता रहे हो आप, महफिल में इस ख्याल से फिर आ गया हूँ, तो इसने किसी खाने पीने के शौकीन ने इसको चेंज करके बनाया, अच्छा, कि शायद मुझे निकाल कर कुछ खा रहे हो आप, महफिल में इस ख्याल से फिर आ गया। तो दावत आम है और कोई भी आ सकता है, एंट्री मार सकता है। और ARYQ TV के सारे ही जो हमारे खूबसूरत ये माशाल्लाह जगमगाते हुए सितारे हैं, और ये तो सब बड़ी फराख दिली के साथ वेलकम है जी, अब्दुल रऊफ साहब का खासा है अल्हम्दुलिल्लाह, जब ये करते हैं कुर्बानी के हवाले से जगह जगह जो कैंप्स के, तो लोगों को बाकायदा खिलाते हैं खाना,
यानी कि बादशाह के अलावा खिलाया जाता है। बड़ी ये मुमताज करती है उनकी खिदमत को ये वस्फ जो है ना उनका, कि आप देखें हकीकत है, क्योंकि वो बड़ों की निगाह होती है, उनका तजर्बा होता है, वो देखते हैं ना कि ऐसे भी घर हैं कि जहाँ पर ज़ियाफ़त तैयार करने के लिए जो बुनियादी मसाला जात इंग्रेडिएंट्स अज़ाए तरकीबी चाहिए वो मयस्सर उनको नहीं है, तो बहरहाल ज़ियाफ़त बनाकर पेश करना। बल्कि फ़हीम भाई मैं तो कह रहा हूँ हम एक मैसेज भी है हम सब अपनी जानिब से हमारे देखने वाले नाज़रीन को दे देते हैं कि गोश्त आप भेजते हैं, लेकिन आप भी जानते हैं नाज़रीन आपके नेबर्स में, आपके रिलेटिव्स के अंदर, आपके फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ में, आपके सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में ऐसे लोग हैं जो वाकई में गोश्त तो उनके यहाँ पहुँच जाए, फ्रिज तक मौजूद नहीं है कि जहाँ पर वो उसको रख कर और कुछ दिनों उससे लुत्फ़अंदोज़ हो सकें, खा सकें। तो बेहतरीन है कि आप ज़ियाफ़त बनाकर भेजें, बुनियादी अज़ाए तरकीबी नहीं है कि जिनसे वो खाना वगैरह तैयार करें, तो क्या मतलब खूबसूरत बात होगी कि कहीं तैयार बिरयानी पहुंच जाए बकरे की, और बकरे की बिरयानी हो वो भी ज़ाफ़रानी और उसके साथ वो लहसुन की चटनी नाज़रीन, हाय हाय हाय। तो भी अभी ये जो चल रहा है आपको पता है, उसके बाद तो ऐसी बातें आएंगी। तो मुमताज़ भाई क्या खाते हैं शौक़ से आप? चटपटी बातें, बिरयानी। अच्छा, ज़रदा बिरयानी, ये मतलब टाइट, अगर ये सामने है तो बस दावत वसूल है। सुमेर साहब जी, बहुत जल्द डिश तक पहुंचा देते हैं माशाल्लाह। देखें अब ये आहिस्ता आहिस्ता बात बकरे से चली और वो ज़ाफ़रानी पुलाव पर पहुंच गई। अब जब भाई साहब ज़ाफ़रानी पुलाव आ गया और फिर लहसुन की चटनी और रायता ना हो तो फिर मतलब क्या मज़ा है उसका, फिर मज़ा अधूरा रह जाएगा। तो बहरहाल उसको मुकम्मल करने के लिए ये जो लवाजिमात हैं ये भी बहुत ज़रूरी है। फ़हीम भाई आप क्या खाते हैं शौक से? वैसे तो माशाल्लाह मैंने देखा है कि आप खा लेते हैं माशाल्लाह जी। ख़ास तौर पर जो है पहले दिन कलेजी, फिर बीफ कढ़ाई, फिर ख़ास उसमें जो है वो पुलाव। वाह वाह वाह, पुलाव ये भी पुलाव ये खास तौर पे। अच्छा, हमारे यहाँ ये होता है वैसे, अगर समझ लें कि शामी कबाब वगैरह का प्रोग्राम है तो उसके साथ पुलाव का ख़ास एहतमाम होता है, क्योंकि वो कॉम्बो बड़ा ज़बरदस्त है। एक तरफ शामी कबाब चल रहे हैं और फिर वहीं पर आ जाते हैं कि लहसुन की चटनी भी उसके साथ, और उसके बाद जो है ना वो शामी कबाब और पुलाव साथ साथ, बड़ा ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन। नाज़रीन अगर आप में से किसी ने, वैसे अक्सर घरों में मैंने देखा ये ट्रेंड, लेकिन नहीं किया तो आप ज़रूर ट्राई करें, आपको बड़ा मज़ा आएगा। जैसे आपको हमने शुरू में मोटिवेशन दी थी कि अगर कलेजी बनाइए, गरम गरम तादी बकरे की हो गाय की हो कलेजी बनाइए, आप उस पर डालें थोड़ा सा चाट मसाला और फिर निचोड़ें थोड़ा सा नींबू और फिर खाएँ। जिसने अभी तक ऐसे नहीं खाया वो खा कर देखे, वो दुआएँ देगा इंशाल्लाह। कारी साहब आप क्या खाते हैं माशाल्लाह शौक से? अभी स्टाइल की रिदान मंदी जो कहते हैं ना, मंदी जी, मंदी का स्टाइल बहुत, और जो आपके जो लवाजमात हैं मंदी के साथ तो और मज़ा आता है भाई। क्या बात है, क्या बात है। अब मंदी के अलावा ये तो एक अरबिक फूड कहलाएगा ना, कहते देसी फूड्स के अंदर भाई, सुभान अल्लाह, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, क्या बात है, क्या बात। और नाज़रीन इस दूल्हे को भी खिलाया जाता है, आपको पता है? वही मैं कह रहा हूँ, स्पून पर रखकर गुलाब जामुन और जिस तरह खिलाइए, पुरानी यादें ताज़ा कर दी हैं फ़हीम भाई आपने, बड़ा मोटिवेट कर दिया है। मैं आपकी आंखों में वो शरारत देख रहा हूँ। देखें अलामा साहब, इस तकरीब को सजाने में आप दूल्हा याद ना, मीठी मीठी बातें हो रही हैं प्यारी। देखें मैं आपको बताऊँ, मेरा कोई कमाल नहीं है, मैं जो जुमला कह रहा हूँ हो सकता है कि नाज़रीन को भी पसंद आए, क्योंकि दिल से निकल रहा है जुमला। जब बाराती ऐसे होते हैं ना तो दूल्हा खुद ब खुद बन जाते हैं। अल्लामा ने कहा है भाई, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है। आपके घर वाले प्रोग्राम देख रहे होंगे इंशाल्लाह, बिल्कुल जरूर भाई। देखें इसलिए तो उन्होंने हम पर डाल दी कि बारातियों पर बात डाल दी है सुमेर में। लग रहा है ये बाराती यहाँ से अच्छे तरीके से खाना पड़ेगा। आप लोग यकीन करें मुझे घर जाना है, आप लोग मेरे हाल पर थोड़ा सा रहम फरमाएं। आप लोगों की शरारत दूसरी तरफ इशारे कर रही है अल्लामा साहब, खास तौर पर आपकी जो है ना मैं आंखों में देख रहा हूँ। देखिए क्योंकि देखें आप अल्लामा स्कॉलर हैं, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ आपको पता है, लेकिन हमारा दोस्ती वाला एक भी ताल्लुक है, और आपकी आंखें ये देखें आप नाज़रीन, आप देख सकते हैं इनकी आंखों में शरारत और बिल्कुल छलक रही है इस वक्त, और कोई भी मैं कह रहा हूँ सादा ज़हन इंसान भी देखे पहचान लेगा। इस प्रोग्राम के बाद हम तमाम बाराती जो है ना दूल्हे से बारात का ऐलान करते हैं। वाह भाई वाह, क्या वो भाई, आप अभी ऑन एयर करें तो फिर बात है। मैं चाह रहा हूँ इस मामले पर आप ही ऐलान करें, लेकिन वो ऑन एयर होना चाहिए। बारात से बारात का ऐलान है ये। अच्छा, हाँ मतलब आप, अच्छा मैं समझिए आप दुल्हन वालों के साथ मिल जाएंगे शायद। चलें जी आपके साथ मिल जाएंगे और समझिए गए होंगे आप नाज़रीन इशारा कहाँ पर है। माशाल्लाह अल्लाह ताला मोहब्बत है, सलाम दूसरी तरफ इशारा है, दूसरी तरफ सुमेर भाई, ये देखो अभी पहली नहीं हुई और दूसरा इशारा कितनी जल्दी समझ गए। बात हुई है
रुजू की गुंजाइश नहीं होगी इसके कोई बाद में फोन नहीं करिएगा हजरत कोई नुकसान क्या बात है चले जी क्या बात है अलामा साहब आप वैसे माशाल्लाह इसमें तो कोई वो नहीं है अगर बंदा खाता है शौक से खाता है लेकिन चंद एक डिशेज होती हैं कि अगर घर वाले वो बना लें तो आप दिल से आवाज़ आती है कि यार आज खाने में मज़ा आ जाएगा क्या खाते हैं शौक से असल में गोश्त में ना मुझे नमकीन बोटी बहुत अच्छी लगती है ठीक और उस पर मुस्तजाद ये कि मैं जब भी घर में इसका जिक्र करता हूँ घर वाले कहते हैं कि आप अच्छी बनाते हैं क्या बात है जी यानी कि ये भी मुझे पड़ जाती है ये बेहतरीन राह फरार इख्तियार करना हुआ ना कि आज यानी कि अच्छा आपको ये पसंद है तो ये आप बहुत अच्छी बनाते हैं यानी कि जी डिपेंड अब आप तो सबसे पूछते हैं आपसे आज मैं पूछता हूँ कि आपकी फेवरेट डिश क्या है मेरी सब नहीं कहना आपने बस एक कोई मखसूस बता नहीं नहीं अल्हम्दुलिल्लाह कहता हूँ सच नजर रखनी है आपने ये आज प्लेट पूरी खाली होनी चाहिए माशाल्लाह अल्लाह नजरे बस से बचाए आज मेरे भाई अब्दुल बासित अजमेरी को अल्लाह ताला नजरे बस से महफूज रखे क्योंकि इन्होंने जो प्लेट भर कर चीज़ें निकाली थी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह दो लुक में लेने में अभी तक कामयाब हो चुके हैं भाई क्या बात है इतना पुरतकल्लुफ अंदाज है आपका मैंने अल्लामा साहब को चेक कराया मैंने कहा मैंने अपनी पूरी कोशिश करी मैंने कहा अच्छे से जो है ना उसको भर के लाऊं मैंने अल्लामा साहब को दिया अल्लामा साहब ठीक है बोल रहे हैं बहुत अच्छा आप नहीं खा पाएंगे ये मैं मोटिवेटेड आया था मैंने आपकी बात ने डीमोटिवेट कर दिया ये कहना चाह रहे हैं अल्लामा साहब इज द मोटिवेटर खाने पे जाने से पहले अल्लामा साहब ने कहा था कि आप ना अपना जो आपकी गैदरिंग है ना वो आप ऐसी रखें कि जिसमें लोग अच्छा खाने वाले हों मतलब ना ठीक ठाक खाते हों मैंने उसी वक्त अल्लामा साहब का साथ जो है ना भरपूर अंदाज में साथ दिया अल्लामा साहब और ये जितना भरपूर साथ दे रहे हैं अल्लाह ताला तू ऐसा भरपूर साथ किसी को भी इस काबिल ना करके वो इतना भरपूर साथ दे रहा इन्होंने मुझे कहा कि मैं अपने हल्का अहबाब में सबसे कम खाता हूँ मैं का मतलब आप अपने हल्का अहबाब में सबसे हल्के हैं ये उसका नतीजा है नतीजा है हाँ आपने इनपुट दिया अल्लामा साहब ने फौरन आपको आउटपुट दे दिया और इस तरह का है कुछ इस तरह मुझे जो समझ में आ रहा है जब खाना प्लेट में डाला जाता है ना तो डालने वाले से कहा कह दिया जाता है कि भाई जान प्लेट साफ करना सुन्नत है जान बचाना फर्ज वाह 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 भाई और आप फर्ज की अदायगी इतनी भरपूर है कि सुन्नत की तरफ आपकी तवज्जो ही नहीं है कुछ तो भाई थोड़ा सा कोशिश जारी है थोड़ा बैलेंस करें काजी साहब कोई शरारत कभी देखें बचपन तो फिर ऐसा है कि वो शरारतों से खाली हो ये सोचना थोड़ा मुहाल है तो कभी कोई शरारत फिर उस पर कोई सरजनिश हुई हो कोई ऐसा कोई ऐसा कुछ हुआ तो नहीं मगर शरारतें देखी हैं लोगों की और अपने दौर में बचपन में बच्चों की और अभी कुछ याद होती है कभी याद आती है तो कभी मुस्कुराहट चेहरे पे आ जाती है मगर ज़ाती तौर पर मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ नहीं कारी साहब जो फरमा रहे हैं आप नाज़रीन गवाह हैं आप व्यूअर्स गवाह हैं इस बात के कि हमारे सेट ख़ास तौर पर ARYQTV के सेट पर कोई भी ऐसा शख्स नहीं आता जिसने बचपन में कभी कोई शरारत की हो या अल्लाह हमें दो चार शरारती अता फरमा ताकि हम जब ईद शो करें तो कुछ शरारतें भी हमारे नाज़रीन तक पहुंच जाए यहाँ पर आने वाले लोग पहले से मुख्तस होते हैं क्या बात है जी और ये एक रूहानी लाइन अल्लामा साहब की तरफ आई है कि ये जो आए हैं चुनीदा बंदे हैं सिलेक्ट किए गए हैं यहाँ पर आए हैं क्या बात है जी और इसीलिए तो अल्लामा है माशाल्लाह ये मज़े मज़े की बात है मुमकिन तौर पर हम आखिरी सेगमेंट की तरफ जाएंगे तो कुछ शरारतों का जिक्र होगा एक दो अशार जो ईद कुर्बा पर वो कहते हैं ना लतीफ़ नुमा अशार होते हैं वो हम अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे ये मज़े मज़े की खट्टी मीठी चटपटी बातें जारी रहेंगी एक बार फिर आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक खुशियाँ बाँटें क्योंकि खुशियाँ बाँटने से बढ़ती हैं फिर से इस यकीन के साथ कि आप हमारे साथ रहेंगे आपसे होती है मुलाकात इस ब्रेक के बाद जी वेलकम बैक नाज़रीन एक बार फिर ईद की खुशियां आपको बहुत बहुत मुबारक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब की कुर्बानियों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और आपने अभी तक मुख्तलिफ सेगमेंट्स में ईद के इस खुसूसी शो में एक्सक्लूसिव शो में बड़ी चटपटी बातें मुलाहिज़ा की हमारे मेहमानों ने अपनी जो निजी मसरूफियात होती हैं ईद के हवाले से जो एक्टिविटीज़ में वो इन्वॉल्व रहते हैं वो भी आपसे शेयर किया खाने में कौन क्या शौक से खाता है आपसे शेयर किया कोई शरारत बचपन की हमने कोशिश की आपसे शेयर करें और इन चटपटी बातों
में हमारा जहन हमारी तवज्जो उस तरफ भी गई कि ईद कुर्बान के हवाले से आपने देखा होगा लतीफ़े और मुशायरे बड़े मशहूर हैं, तो क्यों ना हम अपने मेहमानों की मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए कुछ अशार भी आपकी समातों की नज़र करें जिसमें ईद की कुछ लज्जतें और आप तक पहुँच सकें। स्टार्टिंग फ्राम अल्लामा साद खान हमारी मोटिवेशन है और स्टार्ट हम यहीं से करेंगे। जी अल्लामा साहब, मैं बल्कि अगर आप इजाज़त दें तो बचपन से एक शेर जो मैं भी सुनता रहा हूँ और आप लोगों ने भी सुन रखा होगा कि बकरे ने मारी जो बकरी को सिंह, तो बकरी भी मारेगी बकरे को सिंह। भाई ये शेर है, अब इस बैलेंस इस तवाज़ुन को फॉलो करते हुए आपने ईद का कोई मजेदार शेर सुना। आखिरी हर्फ ले लें जी, आखिरी हर्फ मतलब बकायदा आप समझ रहे हैं ना, कारी नोमान नईमी की तरफ से जुमला आ रहा है। साहब प्रोफेशनल लग रहे हैं, आप समझ जाए कारी साहब से करवाए ये नहीं, ये हकीकत प्रोफेशनलिज्म जो आपने अभी वाकई में आप सफ़े अव्वल जो आपने एंट्री मारी है ना, तो स्टार्टिंग फ्रॉम कारी नोमान नहीं में। मैं तो आपकी जो शेर सुना, हाँ तो आखिरी हर्फ बकरी या तो आखिरी हर्फ के ऊपर ही आपको शेर सुनाएं। बकरे ने मारा जो बकरी को सिंह, अब देखें ऐसे भी होता है, देखें मजाइया जो शायरी होती है ना वो बनाने का बड़ा आसान तरीका। अगर मैं फ़र्ज़ कर लें आपकी जगह बैठा हुआ था गेस्ट और किसी ने ये शेर सुना दिया जो मैंने भी सुना है, अब भाई अचानक से आपको कोई शेर सुनाना है और कोई याद भी नहीं है, तो अब आप इसको तोड़ मड़ोड़ सकते हैं कैसे कि बकरे ने मारा जो बकरी को सिंह, लेकिन बकरी कैसे मारेगी बकरे को सिंह, आखिरी में जवाब ये है बकरी के सींग। इसको ना आपके इस शेर को और भी आसान कर देते हैं भाई, भाई सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, हजरत ने जिम्मेदारी अपने कंधों पे, क्या बात है क्या बात है। पूरे ऐवान से ये नुमाइंदगी पेश कर देता हूँ, क्योंकि आपने बकरा और बकरी का जिक्र किया है तो एक बहुत सादा सा शेर आपकी नज़र के, बकरी चढ़ी पहाड़ पर। क्या कहने, वाह वाह भाई आप लोग पहुंच गए होंगे भाई, पहुंच गए। बकरी चढ़ी पहाड़, चढ़ी पहाड़ पर, बड़ा मुश्किल से उतर गई दूसरी तरफ। भाई ये आज के इस ऐवान का सबसे खूबसूरत मेमोरेबल और नाकाबिले फरामोश शेर है जो कारी मोहम्मद मुबी साहब नईमी सब की तरफ से आया। एक सुन सकते हैं, बकरी चढ़ी पहाड़ पर उतरना भूल गई। वाह वाह, ये आपका ये अब चल गया ट्रेंड, अब सबको ये सिरा देखा, मैंने सही बताया था नहीं अल्लामा साहब, ये देखें सुमेर भाई मैं एक चीज देख रहा हूँ कि माशाल्लाह आपने शेर सुनाया, कारी साहब ने सुनाया, पूरा तकाबुल हो रहा है कि बकरा भी सींग मार रहा है तो बकरी बदला ले रही है, इसमें भी पहाड़ पे चढ़ रही तो उतर रही है, काम पूरा हो रहा है, ये नहीं कि कोई अधूरा काम नहीं है। वाह वाह वाह, और ये अभी अभी आया है लेकिन देखें वो दोबारा चढ़ाकर और अब वो भूल गए हैं, अब हमें किसी मंतकी अंजाम तक इस बकरा या बकरी को पहुँचाना है। कब तक खैर मनाएगी ये बकरे की, बकरी की माँ, बकरी की माँ कब तक खैर मनाएगी। आगे मैंने तो बताया, अच्छा ये कारी साहब ने कहा है पहला मिसरा है, अब दूसरा आप किसी से पूरा करा लें तो शेर बन जाएगा, वो नौ जिलाज तक खैर मनाएगी। भाई क्या बात है भाई, सुभान अल्लाह, क्या आपने मुकम्मल किया भाई की माँ, फिर हमारे दस्तखान पर आई। देखिए हमारा इल्म मुकम्मल करने के लिए वाकई में उलमाए कराम है और आज ये सबूत दे दिया अल्लामा साहब। वो भी है ना, बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, कभी तो कसाई के पास आएगी। हाय हाय हाय, वाह वाह, कभी तो कसाई के पास, बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, कभी तो दस्तखान पर आएगी। भाई क्या बात, वो कसाई तक, फहीम भाई ने कसाई तक पहुंचा दिया, अल्लामा साहब ने ज़िबा करके गोश्त बनवा के ज़ियाफ़त के तौर पर दस्तखान पर का जिक्र हो जाए, क्या का जिक्र हो जाए, मसाला वो चटनी वाला लहसुन वाला। चले जी, ये तो हमारे कुछ मजाइया अशार हो गए, अगर किसी को कोई बकरीद ईद कुर्बान ईद उल अज़हा के हवाले से कोई शेर, दर्जी जो उनकी काफी ज्यादा मसरूफियत होती है ना ईद के मौके पे, तो वो काफी कंफ्यूज रहते हैं, हो जाती है मिस्टेक, ठीक है, तो वो मिस्टेकनली उससे एक दर्जी से गलती हुई तो किसी कस्टमर ने उसको कहा कि वो अच्छा एक मिनट रुक जाए रुक जाए, नाजरीन आप गौर करें, मिस्टेकनली उससे गलती हुई है। भाई क्या बात, आप पहुंच गए, मुझसे भी गलती से मिस्टेक हुई है, इनसे भी मिस्टेकनली मिस्टेक हो गई है जी, क्या बात। तो वो कस्टमर ने दर्जी को कहा कि ईद की खुशी ने आपको दीवाना कर दिया, दर्जी खुश हो गया, उसने मुकम्मल नहीं सुना, तो उसने कहा ईद की खुशी ने दीवाना कर दिया, आपने आपको शलवार कहा था आपने पजामा कर दिया। भाई क्या कहने, और ये शुक्र है कि शलवार को पजामा किया है, तो कोई मुनासिब भी काम किया है, वैसे कोई इतना बड़ा ब्लंडर नहीं मारा है, इतनी बड़ी गलती पहनने के काबिल है अभी तक लिबास, हो गई गलती, लिबास पहनने के काबिल है, गलती से मिस्टेक हुई है ना दर्जी, इसलिए आपने सही कहा था कि मिस्टेकनली मिस्टेक हो गई, मेरे ख्याल गलती हुई, वाकया बयान कर रहे हैं जी, ये है
अच्छा ये मतलब ये सिलवाने गए थे? जी जी अपना वाक्य बयान कर भाई। अल्लामा साहब आज फुल फॉर्म में है भाई, आज ईद का शो था। अल्लामा साहब ने दो दिन इस पर ऐसा लग रहा है बैठ के रिसर्च किए, ईद के शो पर शेर मजाया शेर मुकम्मल कैसे करना है और बकरे की माँ को खैर से कैसे बचाना है, फिर किसी के पजामे और मतलब उसके शेर पर क्या कमेंट करना है। अल्लामा साहब ने फॉरेन रेंज में लिया ना, हाँ इनका ही वाक्य था भाई। क्या बात है, बिल्कुल ये क्या बात, ये क्या बात, देख लिया भैया देख लिया। और आप फंसे वहीं पर हैं, असल में मैं बताऊं आप फंसे वहीं पर, जो गुफ्तगू आ रही थी ना तो अलामत वैसी जाहिर हो रही थी, वैसी जाहिर हो गई, जाहिर हो रही थी। और आपने भी नाज़रीन से सुमेर भाई मैं इससे, आपने अब्दुल बासित भाई की हेयर स्टाइल की आज तारीफ नहीं की, लगता है आप जेलिस हैं कि आपसे थोड़ा खूबसूरत हेयर स्टाइल है उनका। असल में हाँ ये बिल्कुल पॉइंट टू बी नोटेड अलामा साहब, थैंक यू जज साहब, पॉइंट टू बी नोटेड के अलामा साहब ये फरमा रहे हैं कि क्योंकि अब्दुल बासित का हेयर स्टाइल जो है वो मुझसे बहुत ज़्यादा है, तो आपके लिए अब्दुल बासित अर्ज़ किया है कि अपना हमने जो पूछा चांद निकलता है किस तरह, हमने जो पूछा चांद निकलता है किस तरह, लहरा के अपनी जुल्फ को झटका दिया के यूं। अब्दुल बासित वसूल हो गया आज। अब्दुल बासित जितना प्यारा लग रहा है, क्योंकि मेरे छोटे भाइयों की तरह है, मेरा बड़ा बेतकल्लुफी का ताल्लुक है, तो आज ये जितने प्यारे लग रहे हैं, और उसके बाद मैं समझता हूँ ऐसा शेर आपकी तरफ चला गया जितना अभी तक हुआ था ना हिसाब किताब, सब वसूल हो गया भाई, माशाल्लाह क्या बात है, सब वसूल हो गया। और ईद पर कुछ ऐसा वैसा नहीं रखना चाहिए, जिसका जो कर्ज है वापस लौटा देना चाहिए। ये मैसेज भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे नाज़रीन ने मुलाहिज़ा किया। मैं अल्लामा साहब चाहता हूँ ईद कुर्बान ईद उल अज़हा एक खूबसूरत याद, यानी कि यूँ कहिए नाज़रीन के अपने खलील यानी कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वो अदा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को इतनी पसंद आई कि ता सुबह क़यामत बंदगान मोमिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के वो साहिबान निसाब जिन पर ये कुर्बानी करना वाजिब है वो इन अदाओं को दोहराते रहेंगे। यानी कि कबूलियत का दर्जा देखिए कि अल्लाह ने उस अमल को इतना पसंद किया कि रब चाहता है कि उस अमल को बार बार दोहराया जाए ताकि उस अमल की याद ताज़ा हो कि अल्लाह के हुक्म पर यह भी नहीं देखा के सामने मेरा लख्त जिगर है, नूर नज़र है, मन्नत तो मुराद वाला है। आज हम देखें कोई चीज़ कुर्बान करनी पड़े, सेक्रीफाइस करनी पड़े, हम कितने अकल के घोड़े दौड़ाने लगते हैं, लेकिन कुर्बान जाइए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खलीलुल्लाह, और कुर्बान जाइए हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ज़बीहुल्लाह के दोनों ही अल्लाह के हुक्म पर लब्बैक कहते नज़र आए। हज़रत मैसेज आपका मैं चाहता हूँ ईद कुर्बान के हवाले से हमारे नाज़रीन तक। असल में ईद जैसा कि हज़रत फरमा रहे थे ना कि ईद खुशियाँ तकसीम करने का नाम है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला जलालू ने हम पर यह कर्म किया है कि उसने अपनी ज़िंदगी में हमें ऐसी मुसर्रतें अता की हैं, फिर अल्लाह ताला ने हमें इस काबिल किया कि हमें कुर्बानी देने के लायक किया। अल्लाह तो हमें चाहिए कि हम ज़िंदगी के हर मैदान में कुर्बानी देने का जज्बा तैयार रखें। क्या बात, कुर्बानी देना सिर्फ जानवर ज़िबा करने का या गोश्त तकसीम करने का नाम नहीं है, बल्कि ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत पर अमल करने का आगाज़ है, इख्तिताम नहीं है। वाह तो अब ज़िंदगी को इख्तिताम की तरफ लेकर चाहें कि अपने हर अमल के अंदर कुर्बानी का जज्बा पैदा करें। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा मैं साथ साथ नाज़रीन आपको बताता चलूँ कि नेल्सन पेंट्स की तरफ से गिफ्ट हैम्पर्स भी होंगे हमारे तमाम मौजज़ मेहमानाने गिरामी के साथ ईद उल अज़हा के इस पुर मुसर्रत मौके पर इनके साथ जाएंगे इंशाल्लाह। अल्लामा साहब सिंगल लाइनर मैं चाहता हूँ आपका मैसेज हमारे नाज़रीन। मैं बस सिंगल लाइनर यही है कि जब भी हमारे अमूमन लोगों से बात होती है तो लोग यही कहते हैं कि तब्दीली आनी चाहिए, गरीबी मिट जानी चाहिए। याद रखिए दो तरह की चीज़ें, एक है आपका एरिया ऑफ कंसर्न, एरिया ऑफ कंसर्न ये कि मैं सोचता हूँ पूरे पाकिस्तान से गरीबी मिट जाए, पूरी दुनिया में कोई मुफलिस ना रहे। एक होता है आपका एरिया ऑफ एक्शन कि आप कहाँ अमल कर सकते हैं। अब मैं यही कहता रहूँ कि पूरे पाकिस्तान में कोई भूखा ना रहे तो ये तो मैं नहीं कर सकता। जहाँ मेरे ऑफ एक्शन कि मेरे मोहल्ले में मेरे रिश्तेदारों में, आज तीसरा दिन है, अगर आज भी आपसे कोई रूठा है, आपको लगता है कि इसको तक ईद का कोई मामला, जरूरी नहीं है कि गोश्त पहुंचाना हो, एक मोहब्बतें भी तो पहुंचाएं। तो कोई गोश्त नहीं पहुंचा सकता, खुद पहुंचकर मोहब्बतें पहुंचा दे, तो आज भी ये वक्त है। सुभान अल्लाह। कारी साहब सिंगल लाइनर मैसेज। बिल्कुल अल्लामा साहब ने बहुत खूबसूरत बात की, आपकी रेंज के अंदर आपकी हदूद के अंदर जो अहबाब हैं और जो आपको ऐसा लगता है कि ये नाराजगी की तरफ हैं या उस तरफ हैं तो आप जाकर उनको मनाएं, तो यकीनन ये कुर्बानी भी इसकी बरकत से कबूल हो जाएगी। वाह वाह सुभान अल्लाह। वन लाइनर मैसेज कारी साहब मैं चाहता हूँ आपका भी हमारे माशाल्लाह में। बस एक एयर वाई की जो ख़ास ये काविश है, मैं इंटरनेशनल लेवल के हवाले से बात करता चलूँ कि एयर वाई क्यू टी वी के जो काविशें हैं पूरी दुनिया के अंदर, बहुत सारे लोगों के पास किताबें नहीं हैं,
जो पढ़ सकें। बहुत सारे लोगों के पास प्रैक्टिकल नहीं है जो करके देख सकें, मगर ARYQ टीवी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो यूनिवर्सिटी की हैसियत अख्तियार कर दिया है, और यहाँ से कुर्बानी के मसाइल, कुर्बानी करने के जज्बात, और दूसरे लोगों को रमज़ान के मसाइल और रमज़ान के हवाले से मैं बाहर मुल्क भी देखता रहा आपकी ट्रांसमिशन, और आज जो ये ट्रांसमिशन जा रही है इससे भी माशाल्लाह पूरी दुनिया के अंदर अवेयरनेस कायम होगी कुर्बानी किस तरह करना चाहिए और किस तरीके से ये गरीबों को बांटना चाहिए। क्या बात है फहीम भाई, योर टेक। बहुत प्यारी बात हजरत ने फरमाई, उसको और आगे बढ़ाते बढ़ाते क्यू टी वी के हवाले से कि अब भी जो रहे प्यासा, अब भी जो रहे प्यासा ये उसका मुकद्दर है। ठीक, अब भी जो रहे प्यासा ये उसका मुकद्दर है, तूने तो बहा दी है नहरें मैं इरफान की। क्या बात है, क्या बात है। ARYQ टीवी ने तो अपने हिस्से की शमा रोशन कर दी है, अगर अब भी कोई उससे इस्तेफादा ना करे तो ये उसी की बदनसीबी है यकीनन। और जैसे कारी साहब ने फरमाया, कारी मुबी साहब, नईमी साहब ने, तो ये एक तस्दीक हो गई और मुसद्दिका बात हो गई कि अल्हम्दुलिल्लाह ARYQ टीवी के प्लेटफॉर्म से पूरी दुनिया में, यानी कि ये वो यूनिवर्सिटी बन गई है कि जिससे ख़ास इलाका, ख़ास शहर इस्तेफादा नहीं कर रहा, बल्कि दुनिया भर की वो यूनिवर्सिटी है जो बहुत रेफरेंस बेस्ड, मुहक्कक, मुदल्लल, कुरान और हदीस की रोशनी अल्हम्दुलिल्लाह लाखों करोड़ों लोगों तक पहुँचा रही है अल्हम्दुलिल्लाह। मास्टर मुमताज़ साहब क्या फरमाइएगा? माशाल्लाह से ये है कि ये ARYQ टीवी की बहुत बड़ी काबिश है अल्हम्दुलिल्लाह कि लोग इससे मुस्तफीज हो रहे हैं। ठीक, और दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला इसी तरह से इनको तौफीक अता करे, आमीन अपना काम करते रहें। आमीन। और हकीकत में मास्टर साहब मैं आपको बताऊं कि जो लोग वाकईतन ऐसे दुनिया के ममालिक में रहते हैं कि मैं, आप यकीन करें नादरीन, बहुत वसूख से आपको बता रहा हूँ कि मुझे कई ऐसे जानने वाले मिले, UK से ताल्लुक़ है, USA से ताल्लुक़ है, वो कहते हैं कि हमारे लिए किसी बहुत बड़ी नेमत से ARYQ टीवी कम नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। रमज़ान की वो कहते हैं हम रमज़ान के मज़े जो लूटते हैं ना, जो बरकतों के, जो माहौल के, वो हमारे घर में ARYQ टीवी अल्हम्दुलिल्लाह लगा होता है। क्या बात है। अब्दुल बासित, सिंगल लाइनर मैसेज। कसाई हजरात से गुजारिश है कि जानवर को हलाल करें, हराम ना करें। आए तो वो बड़ी जल्दी में होते हैं, वो एक दफ़ा हमने नमाज भी नहीं पढ़ी थी, हमारे कसाई पहुंच गए वो गाय को कुर्बान करने, उनका नमाज तो पढ़ने दें। और एक मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि वो जहाँ पे गाय खड़ी हो ना उसके वैसे भाग के नहीं गुजरना है, बस मैंने बताया था ना आपको, वो आपने बस भाग के नहीं गुजरना, कहीं और से नहीं। आपकी ये बात बहुत सारों को बचा लेगी लात लगने से, ये आपने बहुत नेकी का काम किया है, सदका जारिया बनेगा ये मैसेज आपका। हसन अजीजी जी, सुमर भाई, अल्लामा साहब ने बड़ी खूबसूरत बात कही, बस यही कही जो मैसेज है वो मेरा मैसेज है कि बस ये कि थोड़ा सा इलाके में, रिश्तेदारों में, अपना पड़ोसियों में थोड़ा सा बस ये ख्याल रखना चाहिए, कोई गरीब मिस्कीन तो उनकी मदद के लिए पहुंचना चाहिए, बहुत मदद मदद। और यही ARYQ टीवी का खासा है, यही ट्रेंड है, यही मिशन है, यही ऑब्जेक्टिव है, यही मकसद है कि मोहब्बत की बात पहुंचे, अमन का पैगाम पहुंचे, और कुरान और हदीस की रोशनी हम तक पहुंचे, क्योंकि यकीन करें नाज़रीन, ये दुनिया एक आरजी इम्तिहान गाह है। मैं, आप, हम सब कोई, यहाँ तक के दुनिया के कई ममालिक का हाकिम और सुल्तान भी बन जाए, फिर भी एक दिन उसको 2.5 गज की कब्र में पहुंचना है, और वो कब्र भी अल्लाह नसीब करे तो नसीब हो, कफन अल्लाह नसीब करे तो, अल्लाह ताला हम सबको खैर व आफियत से रखे, आफियत दारैन नसीब फरमाए, और हम हर वो अच्छा नेक काम करते रहें कि हमारी दुनिया और आखरत जो है वो सवर सके। यही अल्हम्दुलिल्लाह ARYQ टीवी का मिशन है, यही मकसद अजीम है, जिसमें रब ताला यकीनन हमारे हाजी साहिबान की जो खलूस नीयत है उसका ये समर कह लें अल्हम्दुलिल्लाह कि मोहब्बत का पैगाम, ये दीन का पैगाम पूरी दुनिया में बहुत कामयाबी के साथ पहुंच रहा है। मैं अपने आप तमाम हजरात का, तमाम मेहमानों का दिल की अथाह गहराइयों से, अपनी जानिब से, ARYQ टीवी की इंतज़ामिया की जानिब से, आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। एक फैमिली चैट थी, फैमिली गेट टुगेदर थी, ईद के शो के नाम पर हमने सबको इकट्ठा किया, आपको अपने साथ बिठाया, और एक ड्राइंग रूम की सूरत में हम सब जमा होकर गेट टुगेदर करके ईद की खुशियां बांटने की कोशिश कर रहे थे। सबने अपने अपनी जगह बहुत ही खूबसूरत पैगाम दिया। मैं आपका मेज़बान सुमैर अहमद बहैसियत होस्ट इस प्रोग्राम के आपको ये मैसेज देना चाहता हूँ कि सारी तकरीबन जहतों से बात हो गई, एक चीज़ का और ख्याल रखें, ईद गुजर गई, ईद का तीसरा दिन है, अगर अभी भी आपके इतराफ़ में आप देखें, सराउंडिंग्स में देखें, गंदगी मौजूद है, गलासत मौजूद है, इससे कई बीमारियां फैलती हैं। और मैं समझता हूं कि हर बंदे मोमिन की जिम्मेदारी है कि जब उसकी समातों से हदीस के ये खूबसूरत अल्फाज टकरा गए हों कि सफाई निस्फ ईमान है, क्लीनलीनेस
इज हाफ ऑफ योर फेथ, तो फिर हमें कितना केयरफुल होना चाहिए कि हम अपनी इतराफ को साफ सुथरा रखें, और अपनी इतराफ को साफ सुथरा रखेंगे अच्छा मुआशरा आपके सामने आएगा, सेहतमंद मुआशरा आपके सामने आएगा, और देखने वालों को अच्छा लगेगा, जो गैर मुस्लिम होते हैं उनको ये मोटिवेशन मिलेगी कि यार ऐसे दीन को ज़रूर कबूल करना चाहिए कि जिसका नाम लेवा जो लोग हैं वो सफाई सुथराई का इतना ज़्यादा ख्याल रखते हैं। इस खूबसूरत एक्सक्लूसिव चिट चैट से भरपूर, चटपटी बातों से भरपूर ईद शो, ईद कुर्बान, ईद उल अज़हा के इस एक्सक्लूसिव शो से अपने मेज़बान सुमैर अहमद को एक बार फिर इस खूबसूरत सी मोहब्बत भरी मुबारकबाद के साथ इजाज़त दीजिए कि मेरी तरफ से और बैठे हुए तमाम हमारे मेहमानों की तरफ से सब मिलकर बोलेंगे आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक।